हाँ तो यार कैसे हैं आप लोग, आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो यार आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ 5 ऐसे इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट जो कि बहुत ही ज़्यादा कमाल के होने वाले हैं, साथ ही इन सभी की जो प्राइस है वो 500 रुपये से नीचे होने वाली है। तो हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज प्रभांशु एंड वेलकम टू दी 3rd एपिसोड ऑफ टॉप 5 गैजेट्स अंडर 500 रुपीज। वेट, वेलकम टू दी 1st एपिसोड ऑफ टॉप यूनिक एंड कूल समर गैजेट्स अंडर 500 रुपीज। क्योंकि ये जो सारे प्रोडक्ट्स हैं वो स्पेशली गर्मियों के लिए हैं और आपको गर्मी से बचाने वाले हैं, एंड अगेन इन सब की जो प्राइस है वो 500 रुपये से नीचे होने वाली है। हाँ तो यार बहुत हो गया इंट्रो, अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को तो पता है ना क्या करना है, सब्सक्राइब करना है एंड बेल आइकन पे क्लिक करना है। हाँ तो यार वीडियो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले गैजेट के साथ, और हमारा पहला जो गैजेट है वो है ये नेक फैन। ना हाथ में पकड़ने का झंझट ना कुछ और, बस गले में डालो और काम खत्म। हाँ तो यार ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो यार फटाफट से इसकी जो अनबॉक्सिंग है वो स्टार्ट करते हैं। तो यार ठीक ठाक सी पैकेजिंग देखने को मिल जाती है, और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ बॉक्स के अंदर, तो यहाँ पे बॉक्स के अंदर सिर्फ ये नेक फैन है वो यहाँ पे देखने को मिलता है, जिसको सिर्फ आपको गले के अंदर डालना है। इसके दोनों तरफ एंड के ऊपर हमें यहाँ पे 2 फैन देखने को मिलते हैं। उसके अलावा यहाँ पे जो इसकी जो पूरी बॉडी है वो पूरी प्लास्टिक मटेरियल की बनी हुई है। ये हिस्सा जो नेक के ऊपर रहेगा ये पूरा का पूरा टफ प्लास्टिक मटेरियल का बना हुआ है, और ये थोड़ा सा बड़ा भी है और थोड़ा सा भारी भी है, तो आई थिंक थोड़ा सा आपको अनकंफर्टेबल फील होने वाला है। यहाँ पे ऊपर की तरफ कुछ डॉट्स बने हुए हैं जो कि इसको थोड़ा स्टिकी रखेंगे। ये वाला जो पार्ट है वो पूरा का पूरा सिलिकॉन का बना हुआ है, और आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। और उसके अलावा यहाँ पे एक माइक्रो यूएसबी चार्जिंग का जो पोर्ट है वो मिल जाता है, बट चार्जिंग केबल आपको यहाँ पे नहीं मिलती, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे पावर ऑन का बटन दिया गया है, तो चलिए इसको ऑन कर लेते हैं। तो यार हवा तो ये काफ़ी ठीक ठाक सा दे रहा था, बट मुझे इसका जो ये जो वाला जो पार्ट है वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हुआ, क्योंकि ये पूरा का पूरा प्लास्टिक का बना हुआ है और थोड़ा हैवी भी है, इसलिए ये बार बार इधर उधर जा रहा था। तो मैं सोचता हूँ कि अगर ये वाला पार्ट भी सिलिकॉन का बना हुआ होता तो आई थिंक थोड़ा सा बेटर होता। तो यार हमारा जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है एक मिनी यूएसबी एयर कंडीशनिंग कूलर या फिर फैन, तो चलिए इसको फटाफट से अनबॉक्स कर लेते हैं और देखते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। तो दोस्तों ये है हमारा मिनी कूलर। यहाँ पे अगर हम फ्रंट साइड की बात करें तो यहाँ पे नीचे की तरफ हमें आइस बॉक्स मिल जाता है, यहाँ पे पावर ऑन ऑफ का जो स्विच है वो मिल जाता है, और यहाँ पे ऊपर की तरफ हमें जो एयर बॉक्स है जहाँ से हवा आती है वो देखने को मिल जाता है। यहाँ पे पीछे की तरफ बैटरी का कंपार्टमेंट मिल जाता है, जहाँ पे 3 AA बैटरीज है वो यहाँ पे लगती है। तो यार ये वाला प्रोडक्ट मुझे सच में काफ़ी बढ़िया लगा। अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो 2 फीट तक ये बहुत ही ठंडी हवा देने वाला है। तो यार चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है एक नेक कूलिंग रिंग। तो यार आपको इस रिंग को कुछ इस तरीके से गले के अंदर डालना है, और इसके अंदर जो लिक्विड भरा है वो ठंडा होने के कारण आपको बहुत ही ठंडा ठंडा फील होने वाला है। तो यार ये है हमारी नेक कूलिंग रिंग, पर ये क्या है, यहाँ पे तो पॉलीथीन के अंदर पानी डाल के हमसे इतने ज़्यादा पैसे ले लिए। यहाँ लिखा है कि 10 से 15 मिनट के लिए हमें इसको रेफ्रिजरेटर के अंदर रख देना है, एंड वहाँ से निकाल के हमें इसके जो बाहर जो पानी दवानी लगा है उसको उतार देना है एंड इसको सीधे गले के अंदर डाल लेना है। तो यार ये वाली चीज़ मुझे तो बिल्कुल ही यूजलेस लगी। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है एक पोर्टेबल यूएसबी फैन। चलिए इसको भी एक बार ओपन करके देख लेते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। तो यार बॉक्स के अंदर हमें यहाँ पे 3 चीज़ें देखने को मिल जाती है। जो पहली चीज़ है वो है खुद यूएसबी फैन, एंड सेकंड नंबर पे इसको स्टडी रखने के लिए यहाँ पे मिल जाता है एक फ़ैन स्टैंड, एंड थर्ड नंबर पर इसको चार्ज करने के लिए हमें यहाँ पे माइक्रो यूएसबी जो डाटा केबल है वो मिल जाती है।
तो यार हमारा जो फैन है वो कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। यहाँ पे सबसे पहले ऊपर की तरफ हमें जो फैन है वो देखने को मिल जाता है, उसके अलावा फैन के जस्ट नीचे की तरफ हमें एप्पल शेप का जो पावर ऑन ऑफ का जो बटन है वो देखने को मिल जाता है, उसके अलावा पीछे की तरफ हमें जो बैटरी का कंपार्टमेंट है वो देखने को मिल जाता है। यार ये अच्छी खासी हवा दे रहा है, ना ज़्यादा ना कम। और अगर मैं इसकी हवा की रेंज की बात करूँ तो यहाँ पे 1 से 1.5 फीट के अंदर ये अच्छी खासी हवा आपको दे देगा। देखने में काफ़ी अच्छा है और हवा भी अच्छी खासी दे देता है, तो आप अपने हिसाब से इसको बाई कर सकते हो। तो यार चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है ये कूलिंग फेस मास्क। तो चलिए इसको भी फटाफट से ओपन कर लेते हैं और देखते हैं कि ये कैसा दिखाई देता है। यहाँ पे बॉक्स के अंदर हमें यहाँ पे दो दो मास्क देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे एक आई मास्क देखने को मिलता है एंड एक फुल फेस मास्क देखने को मिल जाता है। एंड यहाँ पे भी नेक रिंग की तरह ही यहाँ पे लिक्विड है वो भरा हुआ है। एंड अगेन सेम प्रोसेस, आपको 10 मिनट के लिए फ्रिज के अंदर रखना है एंड निकाल के इसको फेस पे लगा लेना है। तो यार ये वाला मास्क नेक रिंग से थोड़ा सा बढ़िया है और इसको लगाने पे थोड़ा सा सुकून भी मिलता है क्योंकि ठंडा ठंडा लगता है। नेक रिंग वाले के अंदर हमें थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, साथ ही वो जो प्रोडक्ट है वो हमें बिल्कुल ही चीप क्वालिटी का है वो लग रहा था, बट ये वाला थोड़ा सा अलग है एंड थोड़ा हमें सुकून भी दे रहा है। यार ये थे आज के 5 यूनिक एंड कूल समर गैजेट्स। इन सभी की जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करा दूंगा, आप डायरेक्टली भी वहाँ से इनको परचेज कर सकते हो। तो यार ये था हमारा आज का वीडियो, अगर पसंद आए तो लाइक करना और अपने सारे दोस्तों में शेयर करना। एंड नेक्स्ट प्रोडक्ट के रिगार्डिंग अगर आपका कोई भी सजेशन हो कमेंट करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू अगेन।